हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैसेज से किसी लड़की का दिल कैसे जीतें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि दोस्तों देखो, जब हम किसी से आमने सामने होकर बात करते हैं, यानी कि फेस टू फेस होकर बात करते हैं, तो हमें पता होता है कि सामने वाले का मूड कैसा है, उसके हिसाब से बात करें जिससे उससे अच्छा लगे या वो इंसान हमें पसंद करे। तो ठीक ऐसे ही मैसेज से बात करते समय भी आपको बहुत सी ऐसी बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि मैसेज से चैट करते समय आपको सामने वाले का मूड नहीं पता कि वो किस मूड में है। तो यहाँ पर आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनका यूज़ करके आप मैसेज से किसी लड़की का दिल बहुत आसानी से जीत सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिए, जैसे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मैसेज से किसी लड़की का दिल कैसे जीते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी लड़की से मैसेज से बात कर रहे हो, तो कोशिश करें कि चैट करते समय आप इमोजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि दोस्तों देखो, जब आप मैसेज के दौरान इमोजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो उससे दो फायदे होंगे। पहला तो आपका टाइम बचेगा, जो भी आप टाइप करने में टाइम वेस्ट करोगे वो बचेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप जो उनको कहना चाहते हो, वो एक इमोजी से वो इंसान या वो लड़की बहुत जल्दी समझ जाएगी कि आपका मूड कैसा है या उनको क्या बोलना चाहते हो, क्या उनसे शेयर करना चाहते हो। तो इससे आप बहुत आसानी से उनको अपनी फीलिंग्स भी बता सकते हो। तो पहला पॉइंट तो आपको ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमोजी का यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी लड़की से मैसेज से चैट कर रहे हो, तो कोशिश करें कि उस टाइम पर आप अपने बारे में कम बताएँ और उनके बारे में ज़्यादा पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ें जब आप पूछोगे तो इससे उसका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा, वो कभी भी आपसे बात करते समय, चैट करते समय बोर नहीं होंगे। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर वो खुद आपसे बोले, अच्छा मेरे बारे में तो बहुत कुछ पूछ लिया, अपने बारे में भी बताओ, तब आप अपने बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हो। कि पर यहाँ पे आपको उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करनी है, जिससे आप उनके दिल में बहुत आसानी से जगह बना पाओ। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी लड़की से मैसेज से चैट कर रहे हो, तो मैसेज से बात करते समय आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि वहाँ पर क्या है, सीरियस टॉक करने से बचें, लाइक अपनी लाइफ का रोना धोना बताने से बचें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको नहीं पता कि उनका मूड कैसा है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में हो उस टाइम पर वो आपका रिप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ का रोना धोना उनसे शेयर करेंगे तो उनका मूड भी वैसा ही हो जाएगा। और ये चीज़ मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होती है, वो लोग जो है ना हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। और वहीं पे अगर आप ये चीज़ें करने लगोगे, इमोशनल या सीरियस टॉक करोगे, तो इससे बहुत जल्दी आपको रिप्लाई आ जाएगा, अच्छा मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में चैट करते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप किसी लड़की से मैसेज से चैट कर रहे हैं, तो इमोशनल और सीरियस टॉक करने से बचें। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि मैसेज से लड़की का दिल जीतने के लिए आप एक काम ये भी करें कि चैट करते समय बीच बीच में उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, उनकी तारीफ़ करें। और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ज़रिया होता है किसी भी लड़की का दिल जीतने का। अगला पॉइंट ये है कि मैसेज से चैट करते समय आप जो है इंटरेस्टिंग रिप्लाई देने की कोशिश करें। लाइक अगर वो आपसे पूछें कि खाना खा लिया या लंच कर लिया, डिनर कर लिया, जो भी है, तो आप नॉर्मल हाँ या नहीं का जवाब देने से अच्छा है आप कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल आंसर दे सकते हो कि अभी आपने बनाया ही नहीं। या अगर वो ये पूछें कि आप क्या कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि एक हंसी परी से बात कर रहा हूँ। तो इससे चैट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और आप बहुत आसानी से उनके दिल में जगह बना सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।